බන්දෙ ගුරු පද දන්දම් භක්ටබින්ද සමොන්නතම් ශ්‍රීචයිතන්න ප්‍රහුම් බන්ධ නිතානන්ද සහෝදිිතම් ශ්‍රී නොන්ද නොන්දනං බන්ධ රාධකා චරනෝදයම් ගෝපීජන්න සමයුක්තම් බින්දබනම්මනූහර වාංශා කල්පතරු වශ්‍යකකි පාසිిද වච पति पापुनेो वैष्णवभ्यो नमो नम मूक पंगु लिरी यतमह वंदे परमांदमाधव बृंदावई तुलसीदेव पीया वै पदे देवी सत्व नमो नम नारायण नमस्कृत नरोतम दवी सरस्वती तथो जो मुदीर कृष्ण कथोपदेश गौरी अत्रुश प्रकाशने गुरु भक्ति प्रमोदाक्ष जगोबर धैय सदा पिभवनमोहम

साराधिकमयि कदा करो श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनता नंदत गदाधर शिव सदी गौरभक्तिंद श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनतानंद्रीअद्वैतगदाधर शिव सदी गौरभक्तिंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण

विशाम्बरो दिजबरौ युगधर्म पालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणाभतारो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे, हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे नमामि गंगे तव पाद्पङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नितं भावानुरूपेण सदा नरानम् गंगा तरंग जटा गौरी निरंतर विभूषी तवाम भागम नारायण प्रियमदापारम वसीपुरपति भजबीशनाथीशने लक्ष्मीजश वक्षसि ज्यास्ते हृदय संबीर निशिंगम निशिंगमह भजे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम, राम हरे नैवात्मनो प्रभुरयं निजलाभपूर्णो मानं जनादविदुषो करुणो विनीते जज्जनो भगवते विदधी त्वमानं दच्छात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखसि नैवात्मनो प्रभुरयं निजलाभपूर्णो মন জনাদ বিদুষো করুণো বিজন ভগবতে বিদীতম তুখযি গৌরী গোষ্ঠীপতি শ্রী শিলভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতি গোস্বামী ঠাকুর পোপাজীনে বত প্রাকিত বুদ্ধিলেকর अप्राकृतिक विषय अप्राकृतिक विषय में कोई विचार करने जाना ये उचित नहीं है गौड़ीय गोष्ठी बोती श्री शिलोभभक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भोपाल जी ने बताए प्रापंचिक प्रापंचिक विचार लेकर प्रापंचिक विचार लेकर अर्थात मेटेरियल बिचार लेकर आप्राकित जगत का विषय में धाम नाम परिकर वैशिष्ट गुरु वैष्णव किसी का बारे में कोई रिमार्क पास करना ये उचित नहीं है बयानबाजी करना उचित नहीं है क्योंकि आप्राकित जगत का जो विषय है ये अगर अनुभव में नहीं आए तो हमारा बोलने का कोई अधिकार नहीं है विच आई कैन नॉट रियलाइज माई सेल्फ आई हैव नो राइट टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू जो सब विषय वस्तु हमारा खुद का अनुभव का विषय नहीं है उस विषय में हमको बोलने जाना बोलना उचित नहीं है लॉजिकल इंटरप्रिटेशन कैन नॉट स्टैंड इन द वे ऑफ डर एप्सोल्यूट ट्रूथ आपरागिक जगत का धाम नाम परिकर वैशिष्ट जो भी हो इसका बारे में अगर प्रत्यक्ष अनुभवी उन, प्रत्यक्ष अनुभव पैदा हुए हृदय में जब आगे चलकर इसका विषय में कुछ अनुभव का बारे में चर्चा करे तो ठीक है नहीं तो उचित नहीं है शरदेंदु नारायण चक्रवर्ती शरदेंदु बाबू एक बड़ा प्रोफेसर है पोपा जी को बताए जे बहुत थोड़ी सी समय में आप पचास मठ मठ कर दिए आप पचास मठ कर दिए कितना सुंदर व्यवस्था हुआ इतना जल्दी आप कर दिए पोपा जी ने बताए पचास मठ कर दिए आप कह रहे हो मेरा तो इच्छा है हर जीवों का हृदय में मेरा तो ये इच्छा है हर जीवों का हृदय में मठ का स्थापना करें पचास मठ कौन सी बड़ा बात है पचास मठ कौन सी बड़ा बात है हमारा तो इच्छा इच्छा होता है हर जीवों का हृदय में गौरिया मठ का प्रतिष्ठा हो जाए पापा जी ने बताए अगर पचास गौरिया मठ का बदले में अगर अगर पचास मठ का बदले में अगर पचास भक्त मिलता जो मोबाइल गोरियमठ पचास मठ के बदले में अगर हमको पचास ऐसे डेडिकेटेड सोल मिलता जिसका आइडियलिज्म इतना ऊंचा है जिसका विचार इतना ऊंचा है तो मेरा और ज़्यादा फायदा होता है क्योंकि मोबाइल गोरियमठ कैन गो एनी वेयर गोरियमठ का एक एक जो महान वैष्णव है ये जहाँ भी जाते हैं वहाँ गौरियामठ प्रकटित हो जाते हैं गोरियमठ प्रकटित हो जाते हैं दे आर ऑल मोबाइल गोरियमठ पोपात कहते हैं अगर पचास गोड़ियामठ के बदले में अगर 50 ऐसा डेडिकेटेड सोल मिलता जिसके द्वारा मैं सी चैतन्य महाप्रभ का धाम चैतन्य महाप्रभ का बानी, चैतन्य महाप्र का लीला सिद्धांत तो विचार हम कर सके ऐसा अगर फैसिलिटी मिले पोपा जी कहते थे आई कैन कम डाउन टू एनी लेवल फॉर द एक्चुअल पिचिंग ऑफ चैतन्य वाणी चैतन्यवाणी पिचिंग मतलब ध्यान दे बाहरी आदमी जिसको चैतन्य चैतन्य महाप्र का बारे में कोई पता नहीं बाहरी कोई आदमी जिसको चैतन्य महाप्र का बारे में बिल्कुल कोई पता नहीं वो अगर चैतन्य महापो का धाम देखे जिसका कोई इन्फॉर्मेशन फास्ट हैंड इंफॉर्मेशन भी नहीं है अगर वो गौरंग महापो का धाम देखे वो गौरंग महापो का कोई फोटो देखे तो उसको क्या महसूस होगा ध्यान दे बात पर मैं क्या कहना चाहता हूं मैं क्या कहना चाहता हूं चैतन्य महापो का फोटो देखे ये कौन है क्या है ये ये बोलेगा क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का साथ इसका कोई जानकारी है नहीं चैतन्य महाप्रभु का धाम का साथ उसका जानकारी है नहीं कुछ नहीं है इसका महिमा कुछ नहीं पता है मेरा कहने का मतलब है बानी गौर कैन गिव फुल आइडेंटिटी ऑफ गौरंग महापुर आई बात समझ में मेरा कहने का मतलब है बानी गौर ये बानी गौर ये बानी गौर गौरंग महाप्रभु का बारे में कह सकता है बानी गौर बानी गौर कह सकता है गौरंग महाप्रभु का स्वरूप क्या है महाप्रभु का लीला क्या सब कुछ धाम का महिमा सारे और महाप्रभु का बानी स्वरूप का जो प्रकाश है ये भक्तों का माध्यम में होता है भक्तिम ठाकुर को नोदिया प्रकाश बोला जाता है नदिया गौरंग महाप्रभु का जो नदिया धाम है ये सब जो महिमा है भक्ति में ठाकुर जी ने प्रकाश किया इसका एक पत्रिका भी प्रकाश किया जो भी है चलो अब ये धाम का बारे में मेटेरियल आइडिया आना स्वाभाविक है क्योंकि कौन समझेगा क्योंकि धाम का अंदर में होटल बारी सब कुछ है और चैतन्य मठ भी है चैतन्य गौरी मठ भी सब कुछ है तमाम दुनिया का चीज है अब कैसे हम समझे कि धाम है क्योंकि हमारा दर्शन तो पक्का दर्शन नहीं हुई अपराकित दर्शन जब तक अपराकित दर्शन का जब विचार अपराखित दर्शन जब तक हृदय में प्रकटित ना हो जाए तब तक धाम का दर्शन करना संभव नहीं है जब तक अपराकृत दर्शन हृदय में प्रकटित ना हो जाए तब तक धाम का दर्शन विग्रोह का दर्शन गुरु वैष्णव का दर्शन हो नहीं पाएगा हर वक्त हमारा जो वाणी है चैतन्य वाणी है महाप्रभु का गौर वाणी गौर भक्तों का विषय में जो सब जानकारी है ये सारे तत्वों सिद्धांतों अनुभव करने का बाद फिर गुरु वैष्णव के लिए मेरा हृदय में श्रद्धा पैदा हो सकता उसका पहले नहीं मदन मोहन मालव्या बोल के एक बड़ा दिग्गज पंडित है भारत में इसका नाम आता है बहुत फेमस मदन मोहन मालव्य जिन्होंने कहा प्रभपाद जी का चरण में मेरा सर झुक गया और किसी का सामने मेरा सर झुका नहीं आज तक सिर्फ ये महापुरुष का सामने झुका है इन्होंने बताया पोपाद आप कहाँ से डेली नदिया प्रकाश आदि जो प्रकाश करते रहते हो कहाँ से आपका इतना इन्फॉर्मेशन मिलता इतना खबर आप कहाँ से ए, कहाँ से इकट्ठा करते हो ये जो आप जो नदिया आप जो डेली नदिया प्रकाश दैनिक नदिया प्रकाश प्रकाश करते हो कहाँ से आपका इतना खबर मिलता है अपराकी जगत का बारे में पोपा जी ने बताए एक ऐसा क्वेश्चन आपने किया है अनंतदेव बलदेव का अनंत देव बलदेव का जड़ानंद, जड़ानंद और अप्राकृत तो अनंत दो एस्पेक्ट है बलदाव जी महाराज जो अनंत देव है ये अनंत का अनंत देव का दो एस्पेक्ट है दो विषय है एक है जड़ानंत मतलब ये जो जड़ जगत है इन्फिनिटी वर्ल्ड मेटेरियल वर्ल्ड ये इन्फिनिटी है और चिन्मय जगत का जो अनंत है अनंत भाव ये है पोपाजी ने बताए पोपाजी ने बताए ये कैसा क्वेश्चन आपने किया क्योंकि ये जड़ जगत में ये मिटरियल जगत जो है ये जो अनंत ब्रह्मांड है जिसका बारे में ब्रह्म जिसका बारे में ब्रह्म संगीता में आता है जिसका बारे में ब्रह्म संगीता में आता है जेश काल मथावलंबो जीवंती लोम बिलजा जगदंड नाथा विष्णुर महान इहो यशो कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजा ये जो कहते हैं इन्फिनीटी ब्रह्मांडों का प्रकाश महाविष्णु से हो जाता है तो अनंत देव का दो अनंत का दो एस्पेक्ट है प्रभात कहते हैं एक तो इन्फिनीटी मेटेरियल वर्ल्ड दूसरा है इन्फिनिटी अनंत अप्राकृत जगत पापा जी ने बताए ये जो अनंत देव का एक पाद विभूति है ये जो इन्फिनिटी मेटेरियल वर्ल्ड देख रहे हो ना ये जो आप लोग इन्फिनिटी मटेरियल वर्ल्ड देख रहे हो ना इन्फिनिटी मटेरियल वर्ल्ड ये इन्फिनिटी मेटेरियल वर्ल्ड जो है भगवान का एक पाद विभूति ध्यान देना इस बात पर हैरान करने वाला बात है ये जो एक पाद विभूति भगवान का जो अनंत मेटेरियल ब्रह्मांड है, है। अनंत मेटेरियल कोई एंड नहीं है वह चल रहा है फोर्टी फाइव फिफ्टी ईयर्स चल रहा है कहाँ चल रहा है कौन जाने कोई एंडलेस एंडलेस जर्नी कहने का मतलब है पोपात तो विचार बता रहे हैं अगर ये जो अनंत ब्रह्मांड है ये भगवान का एक पाद विभूति है पोपाद विचार कर रहे हैं पोपाद कह रहे हैं जे अगर एक पाद विभूति है अनंत ब्रह्मांड हो तो भगवान का तीन पाद विभूति है आप जगत चिन्मय जगत हैरान करने वाला बात है आप कैसा क्वेश्चन किया ये जड़ जगत में इन्फिनीटी वो इन्फिनीटी ब्रह्मांडो उसका अंदर में छोटी सी एक धरती जिसको आंखों में नहीं है धूल की बराबर ये पृथ्वी और ये पृथ्वी का अंदर में कितना कॉन्टिनेंट है कितना कॉन्टिनेंट है कितना कंट्रीज है कितना सिविलाइजेशन है एक एक कंट्री में कितना न्यूज़पेपर निकलता है वो बात विचार कर रहे हैं जब महाराज ये जो ये लोग जो इतना न्यूज़पेपर मिलता है कैलकाटा से कितना न्यूज़पेपर निकलता है और कहाँ से वो लोग को न्यूज़ मिलता है पापा जी बता रहे हैं अगर जर का एक छोटा सा देश इसमें इतना न्यूज़पेपर कंपनी है और न्यूज़पेपर निकल रहे हैं अगर जड़ जगत का इतना सारे न्यूज़ मिलता है जो जहाँ त्रिपात विभूति है भगवान का वहाँ क्या न्यूज़ का कमी है क्या 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 न्यूज का कमी हो सकता क्या कह रहे हो आप बात क्या कह रहे हो आप जातिपात जहां विभूति है भगवान का सोचने का बाहर है इनकॉन्सिबाइबल मैं दो दिन पहले विचार कर विचार बता रहा था जिसका हृदय में रिले, रिलेटिव वर्ल्ड का बारे में कोई जानकारी नहीं है फुलिश नंबर वन उसको बचाना बहुत मुश्किल है जिसको रिलेटिव वर्ल्ड के बारे में कोई जानकारी नहीं है पापा जी ने एक किताब लिखा था रियल 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 एंड एक्चुअली एंड रियल एंड रियल अपरेंट एंड समथिंग। इसका बारे में एक बारे एक छोटा सा किताब लिखा ये रिलेटिव वर्ल्ड है अपराकित जगत नहीं है ये रिलेटिव वर्ल्ड है ध्यान देना यह अप्राकित जगत नहीं है तो फिर महाराज ये अप्राकित जगत नहीं है तो मेटेरियल जगत में धाम कैसे पहुंच गए धाम कैसे पहुंचे ये प्रश्न आ सकता है विचार ये है जैसे चतुर्ष्लो की भागवत में आता है मैं ये जगत का बाहर हूँ फिर भी जगत का एक एक धुलखन में बैठा हुआ हूँ आमी तो जगते बसी जगत आमाते, ना हमी जगते जगतें ना जगत अमाते चतुर्शो की भागवत में आता है पहले रीति अर्थम जत प्रतीयत तो न प्रतीयत तो चात्मा तद विद्वा आत्मा नयम यथावास यथातम जथा प्रविष्ट जो श्लोक है हर कन कण में मैं उपस्थित हूँ फिर भी मैं किसी चीज में नहीं हूँ ऐसा ही धाम का अचिंत प्रभाव है धाम विभु वस्तु है ध्यान दे ये जो धाम है ये धाम विभू वस्तु है धाम कोई छोटा मोटा वस्तु नहीं विभू वस्तु बिभू माने विभू माने विभू वस्तु भगवान का साथ अभिन्न है धाम तो बिभू वस्तु कैसे मेटेरियल जगत में आए सोलह क्रोश या तो चौरासी क्रोश का अंदर कैसे आ गया ये जो तो बिभू वस्तु है ये समझना चाहिए धाम विभू वस्तु होते हुए भी धाम विभुवस्तु होते हुए भी अचिंत शक्ति के द्वारा भगवान अपना धाम को इस जगत इस जगत में जड़ जगत का मंगल के लिए प्रकट कर दिया यथा महा भूतानि भूतेशु उच्चावशेषो अनु प्रविष्टानि नौतेशु नौतेशु हम ऐसा करके धाम विभु वस्तु होने से भी भगवान का अचिंत शक्ति के द्वारा प्रभाव के द्वारा धाम इस जड़ जगत में प्रोकोट लीला किया है और ये धाम को लगेगा जैसे दिल्ली बॉम्बे ऐसा ही लगेगा ये वृंदावन धाम नवद्वीप धाम ऐसा ही लगेगा क्यों हमारा दर्शन का हमारा दर्शन का जो क्लारिटी नहीं है याद है ना दो दिन पहले हम एक श्लोक बताया था यथा यथा आत्मा परिमिज्य अशोक मतपुन्न गाथा सबनो विधान तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्म चक्ष शैव अंजनो सम्प्रयुक्तम जैसे आँखों में काजरा लगाने से धीरे धीरे आँखों का दर्शन रोशनी बाढ़ता है दर्शन शक्ति ऐसे ही संत महात्मा गुरु वैष्णव का मुखारविंद से जितना जितना हरि कथा कीर्तन आप सुनते रहोगे आपका चेतन दर्पण मार्जन होते रहेगा जो महाप्रभु जी ने बताया चेतन दर्पण मार्जन और चेतन दर्पण मार्जन।, मार्जन होते 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 एक विशेष अवस्था में आप पहुंच जाओगे गुरु वैष्णव का संग करते करते अपरागिक जगत का सब हरी कथा सुनते सुनते आप एक एक ऐसा हालत ऐसा स्टेज में पहुंच जाओगे तो जिस समय आपको धम का दर्शन संभव है आपका नाम का दर्शन संभव है अरे नाम दर्शन संभव है यस यस अपराधिक जगत का नाम का भी दर्शन होता है आपको पता नहीं वेदांतों से मैं कभी चर्चा करके दिखाऊं इक्षतेन अशब्दम इक्षतेन अशब्दम हैं सुतेस्तु शब्द मूलत्वात् अनावृत्ति शब्द्यात् ऐसा करके बहुत सारे वेदांतों वेदांतों का एक सूत्र है ये सूत्रों को विचार करने से आपको अनुभव में आएगा अब कभी हमने वादा किया एक श्लोक का चर्चा करे अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्तम यदक्षरम निवर्त अर्थोभावे अर्थ न प्रक्रिया योगतो यथ ये सब बारे में हम चर्चा करेंगे कल अभी धाम का बारे में चर्चा कितना समय दे समय तो कम है लिमिटेड तो अपराकृत धाम का जो इस जगत में प्रकट अवस्थान इट इज वन कैन मेरा कल आश्चर्य की विषय है जबकि ये जड़जगत में धाम का उपस्थिति असंभव है क्योंकि विभु वस्तु है शोला क्रोस का अंदर में ये नवोद्दीप धाम श्तोद्दीप कैसे है यही तो अचिंत्य तो शक्ति इसी का नाम है अचिंत्य तो शक्ति अचिंत्य तो प्रभाव भगवान का चौरासी क्रोस का अंदर में तमाम वृंदावन जो धाम है विभु वस्तु कैसे संभव है भले ऐसे ही संभव है जो हमारा जर जगत का हमारा जर जगत का नोबेल लॉरियट एक कवि है जिसका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर आपने सुने होंगे उसके नाम रविंद्रनाथ टैगोर इन्होंने हंड्रेड परसेंट स्पिरिचुअल लाइफ गुजारा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत साधु संग किया रसिक मोहन विद्याभूषण भक्त ठाकुर बहुपात ये सब महान वैष्णवों का संग किया ये सब महान वैष्णवों का संग किया और संग का प्रभाव से क्या हो गया उन्होंने लिख दिया उन्होंने लिखा गीतांजलि में जिसका लिए वो नोबल प्राइज मिला गीतांजलि पहले बंगाली में लिखा था उसके बाद ट्रांसलेट किया था। शिमार माझे असीम तुम्हें बांग्ला में है शिमार माझे असीम तुम्हें यू आर असीम अनंत बट विद इन दिस सीमा इट सीम्स इट सीम्स दैट यू आर अंडर सम स्ट्रक्चर अंडर सम एरिया गोपाल देखने में छोटा सा गोपाल जी महाराज देखने से बहुत छोटा लेकिन गोपाल जी महाराज दिखा दिया सुखदेव गोस्वाई कह रहे हैं जिसका कोई आदि अंत नहीं है सुखदेव गोस्वाई कह रहे हैं जिसका कोई आदि अंत नहीं है इसी गोपाल को जसोदा मां बनना चाहता है कहो कैसा बात है जो गोपाल अनंत है जिसका आदि अंत तो नहीं है न अंतर बहिर्यस्व न अंतर बहिर्यस्व जिसका कोई अंतर और बाहि नहीं है इन्फिनिटी। फिर ये गोपाल अचिंत शक्ति भगवान का स्वरूप का अंदर में इन्फिनिटी ब्रह्मांडो, और इन्फिनिटी ब्रह्मांडो में इन्फिनिटी ब्रह्मांडों में इन्फिनी ब्रह्मांडों में कोने कोने में क्या हो रहा है एट प्रेजेंट साइमल्टेनियसली भगवान कैन नो तो आपका जो मेटेरियल कंसेप्शन भगवान के बारे में धाम के बारे में ये सब चलेगा नहीं ये सब चलेगा नहीं ना पड़ेगा अनंत ब्रह्मांडों में अनंत ब्रह्मांड में अनंत इन्फॉर्मेशन सारे साइमल्टेनियसली भगवान का जुगपक एक ही साथ भगवान का अंदर मौजूद में इसीलिए भागवत का भागवत जी महापुराण का पहला स्कंद का पहला श्लोक में जन्मा यमा यतो यम आदि त्वरा शर्त ते हैं नन्मा यु जतो अन्मे आदि त्वरा शर्त ते सराटो तेने ब्रह्म हिदाय आदि कवय मुह्यंती सूरयो ते वारी मिदाम यथा विनिमयो है धामना, हैं, हैं, धामना सेनो निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमही भगवान को किसी का जानकारी देने का दरकार नहीं है भगवान सब जानता है जो भगवान भगवान का जो फास्ट एक्सपेंशन बल्लाजी महाराज ये बल्लाजी महाराज ये धाम का स्वरूप लेकर धाम में उपस्थित है तमाम बद्ध जीवों को कृपा करने के लिए तमाम जीवों को कृपा करने के लिए धाम ये जगत में उतारा है इच्छा करके और ये धाम का अंदर में धाम का सेवा कैसे धाम से बात है धाम में कैसा रहना चाहिए धाम परिक्रमा कैसे होता है ये सब बड़ा जरूरी है जानना पहला बात ये है कि धाम दर्शन करने जाओ वृंदावन में या पुरुषोत्तम धाम में या नवद्वीप धाम में यहाँ दर्शन करने जाओ तो आपका दर्शन खोटा इसमें मेटेरियल दर्शन होता क्यों भले ये मेटेरियल प्रापंचिक जगत में जब धाम आए हुए हैं एक माया का पर्दा रहता है जीवों का दर्शन का ऊपर एक माया का पर्दा रहता है जीवों का ये दर्शन है इसका ऊपर एक माया का पर्दा रहता है ये पायदा ये जो पा, ये जो पर्दा है जब जोगो माया जब हटा नहीं लेती है तब तक दर्शन नहीं है इसीलिए भक्ति में ठाकुर जी ने जोगो माया जी को कीर्तन किए की, एक कीर्तन लिखे কুলদেবী যোগমায়া মোরে কৃপা করি আবরম বে তুমি বিশ্ব দরি শুনেছি আগম বেদে মহিমা তোমার শ্রীকৃষ্ণ বিমুকে দরি করাও সংসার শ্রীকৃষ্ণ সানমুখ যার ভাগ্যক্রমে হয় তারই মুক্তি দিয়া করো অশোক অশোক অভয় নিষ্কপট হয়ে মাতা আমা পানে চাও তো কুলদেবী যোগমায়া মোরে কৃপা করি আবারম সংবরিবে भक्तम ठाकुर जोग को प्रार्थना कर जोग जी को प्रार्थना कर रहा है कि आप कृपा करके माया का पर्दा को हटा लो कुलो देवी जोग माया मोरे कृपा को रही आवरण संग तुम्हें विश्वधोरी आँखों का ऊपर जो पर्दा पर्दा ना आँखों का ऊपर जो पैदा पर्दा फैला हुआ है ये पर्दा को जोगमाया हटा ले हटा लेने का बाद देखोगे हटा लेने के बाद आपको गोकुल दर्शन होगा मतलब धाम दर्शन होगा पूरा लेकिन प्रापंचिक जगत में रहते समय हमारा थोड़ा बहुत मिलावटी दर्शन होता है कभी कभी अनुभव में आता है धाम है सब कुछ है लेकिन फिर भी ये मिट्टियाल जगत में ये भगवान का ये व्यवस्था है जब ये धाम अप्राकित है लेकिन विशुद्ध दर्शन होता नहीं मुश्किल होता है जो सब संत महात्मा पहुंचा हुआ संत महात्मा है वो लोगों के लिए वो लोगों के लिए गोकुल गोकुल में गोलोक दर्शन होता है और जो संत महात्मा साहब सौरी छोड़ के एकदम अवस्था है उच्च अवस्था में उसमें उस समय गोलोक से गोकुल गोलोक में गोकुल गोकुल दर्शन होता है इसका बारे में चर्चा करें पहला बात तो ये है ये धाम दर्शन करने जाए इसका ऊपर एक एक पर्दा है आंखों का ऊपर आदमी सोचता है जैसे सूरज का ऊपर एक बादल ने एक बादल का टुकड़ा एक बादल का टुकड़ा एक बादल का टुकड़ा ये सूर्य को देव को ढक दिया अब बोका आदमी बोलेगा सूर्य ढक गया सूर्य देव ढक गया लेकिन देव ढका नहीं सूर्योदेव चौदह लक्ष्य से भी ज्यादा गुना बड़ा है पृथ्वी से तो एक टुकड़ा क्लाउड हाउ वन पीस ऑफ क्लाउड कैन कवर अप एक एक टुकड़ा जो बादल है वो कैसे सूरज सूर्योदय को ढक सकता है कभी नहीं होता संभव नहीं तो क्या होता है भले ये जो बादल का टुकड़ा है ये आदमी का आंखों को ढक दिया सूरज को ढक नहीं सकेगा सूरज को कवर अप करना असंभव है तो को आँखों का ऊपर एक पर्दा डाल दिया जैसे क्लाउड ऐसा ही है, ऐसा ही है हमारा धाम दर्शन हम जब धाम दर्शन करने जाता है इस समय वन काइंड ऑफ क्लाउड ऑफ माया हमको मजबूर कर देता है कि धाम का अंदर में गाड़ी चल रहा है होटल चल रहा है दुकान है गेस्ट हाउस है सब दिख रहा है क्यों ये होगा ये होगा उसको कोई रोक नहीं सकता कोई रोक नहीं सकता ये दर्शन संभव नहीं है सिर्फ पहुंचा हुआ सन जो है जो एकदम ऊपर पहुंच गया जिसको सौरू शुद्धि मिला सौरप शुद्धि मिलने से भगवान का प्रेम सेवा मिले शरीर रहते हुए सर्व सिद्धि हुआ इस समय में गोकुल में गोलोक दर्शन होता है और जिसको वस्तु सिद्धि हुआ है वो गोलोक में गोकुल दर्शन कर एक ही है को से बात विचार दिखाया, जे गोकुल गोकुल और गोलोक में कोई भेद नहीं है एक ही है कोई भेद नहीं है एक है सिर्फ पहुँचा हुआ संत महात्मा का कृपा अगर मिले तो धाम परिक्रमा का साथ साथ धाम दर्शन करने का भी मौका मिलता है एक मिसाल दे दे जो हल काम बोला था काल बोला था और एक इसमें दो एक मिसाल दे दे जैसे हमने बोला था काल अकबर बस्सा ने आया था सनातन तो गुसाई को सेवा करने के लिए सोनातन गोस्वामी ने बता दिया मेरा पास कोई सेवा नहीं है बोले कुछ तो बताओ कुछ फरमाइए सनातन गोस्वामी अंतिम में बार बार कह रहे हैं जावना बार बार बादशाह कह रहे हैं कुछ सेवा ले लो साधु महात्मा के लिए थोड़ा श्रद्धा रखता है तो अंतिम में सनातन गोस्वामी जी ने बता दिया मेरा ये जो ऊपर से दादोस अल, दादोस आदित्योटीला जहाँ सोनातन कुसे का भजन कुटीर वहाँ से जमुना पानी लेने ले के लिए जमुना का पानी लेने के लिए मैं जमुना उतारता हूँ ऊपर से झीना है एक झीना एक झीना जो है खराब हो गया ये झीना का मरम्मत कर दीजिए ऐसा बोला तो इन्होंने सोचा कि ये मेरा लिए अपमान है इन्होंने पहले सोचा इट इज़ इट इज़ इंसल्टिंग फॉर मी ये मेरे लिए अपमान है क्योंकि मैं बादशाह हूं मेरे को गोसाई जी कह रहे हैं एक एक मरम्मत कर दे एक झीना खराब हो गया ये मेरे लिए इंसल्टिंग है क्या करें अंतिम में सोनातन गुसाई में उंगली उठाकर देख दि, दि, दिखा दिया अंतिम समय में सोनातन गोसाई जी ने समझ गया इसका अंदर में अभिमान आया सोनातन गोसाई जी ने उंगली पकड़ कर बता दिया देखो झीना खराब हो गया उसका मरम्मत कर दो जब सनातन गोसाई जी ने उंगली पकड़ कर दिखा दिया उस समय क्या हुआ धाम का स्वरूप सनातन गोसाई के इच्छा का अनुसार एक पल भर के लिए झाम एक पल भर के लिए झाम का धाम का झांकी दर्शन हो गया एक पल भर के लिए धाम का झांकी जा, दर्शन हो गया क्या देखे अकबर बरसा ने अकबर बरसा का चक्कर आ गया वो बोले महाराज ये जो आपका झीना खराब हो गया ये मेरे लिए रिपेयरिंग करने का कोई व्यवस्था नहीं है मैं क्या करूं अगर आप अपना जो अपना जो अधिकृत अपना जो अधिकृत कंट्री है देश है तमाम देश को बिक्री कर दूं फिर भी ये करना संभव नहीं क्यों एक एक झीना में अप्राकृतिक वृंदावन में जो मणि मुक्ता, जो ज्वेल्स हीरा मणि मनिक जो अपराकृत अप्राकृत ज्वेल जो उसमें लगा हुआ है वो एक ज्वेल का बराबर नहीं है मैं अपना तमाम अधिकृत एरिया हमारा कंट्री को टोटल बिक्री करे फिर भी संभव नहीं समझ गया धाम क्या चीज़ है आकबरवा ने समझ गया धाम क्या चीज़ है एक पल भर के लिए झांकी दर्शन हो गया धाम का ऐसा ही एक कहानी बताऊं जिससे आपको पक्का विश्वास हो जाए कि हां महाराज विशुद्ध प्रणयी भक्त जो है वो धाम दर्शन करा सकता है अपना मनमानी आप धाम दर्शन करने जाओ होगा नहीं होगा नहीं रामानुजाचार्यो रामानुजाचार्यो रामानुजाचार्य जी ये धनुर्दास जो है ये बड़ा कामुक है सारे आदमी शिकायत किया धनुर्दास अपना बीवी का पीछे दौड़ता है हल वक्त गुरु जी को प्रार्थना किया बाकी शिष्यों ने बाकी शिष्यों ने गुरु जी को प्रार्थना किया रामानुजाचार्य जी को दया करके दया करके इसको आप आप समझाओ दया करके इसका अंदर में जो भाव है इसको परिवर्तन कर दो हे गुरु जी बड़ा इज्जत की सवाल है ये बड़ा इज्जत की सवाल है धनुदास को लेकर जो मंदिर में गए बरदार मंदिर में वहाँ जाकर प्रार्थना किया ठाकुर ठाकुर दया करके इसको दर्शन कर दो दर्शन दे दो ताकि इसको जड़ जगत का जो दर्शन है ब्यूटीफुल लेडी हमारा वाइफ बहुत सुंदरी है ये सब उसका मोह ये जो माया मोह, इसको पल भर में छूट जाए रामानुजय जी ने प्रार्थना किया प्रार्थना करने का साथ साथ भगवान धनुर्दास को दर्शन दी उसी दिन आखिरी दिन है उस दिन के बाद इसका अंदर में ऐसा कोई घटिया चीज पैदा नहीं हुई कभी ये आखिरी दिन था जी ने जब भगवान को पार्थ दर्शन दे दो ये जगत का जो दुर्गंध दूषित ये जो कामिनी कांचन ये जो दर्शन है इसके पीछे पड़ा अमित पूर्ण कृमिकीट संकुले स्वभाव दुर्गंध विनिंदितांतरे कले वरे मूत्र पुरीष भाविते रमंती मूडा विरमंति पंडिता दैट केम इन इज रियलाइजेशन ये बात समझ में आए क्या समझ में आए भले बोले अमेद्यपूर्णोम अमेद्य पूर्ण कृमिकीट संकुल टट्टी पेशाब का एक थैला है अमेदपूर्ण ये रक्तमांस है अमित पूर्ण क्रिमिकीट संकुल क्रिमिकीट सब कीड़े मकोड़े है शरीर का अंदर और ये शरीर को सजाने के लिए कितना क्या कितना कुछ कर कितना कुछ हम करने के लिए तैयार है ए शरीर जिसका कोई ठिकाना नहीं कब चले जाए और अमितपूर्ण कृमिकीट संकुले स्वभाव दुर्गंध बिनिंदारे विनिंदितांतरे इतना घटिया शरीर है दुर्गंध दूषित आता है इसी अवस्था में अमितपूर्ण किम की संकुले स्वभाव दुर्गंध विनिंदितांतरे कले वरे मूत्रे पूरी स्वभावित टट्टी पेशा का एक थैला है इसमें रमन करता है कौन रमन करता है मूढ़ा मूर्ख गाधा लोग जो है ये रमन करते हैं और पंडिता रमंती मूढ़ा विरमंति पंडिता पंडित व्यक्ति कभी भी ऐसा नहीं चाहते कहने का मतलब है अपरागित गुरुवशव का कृपा के द्वारा जब धाम का स्वरूप का दर्शन हो जाए संभव है एकमात्रो प्रणयी भक्तो क्यों एक पंजाब का माताजी हमने काल भी कहा था ये बात शायद उठाया था जे परम्रिया माधव गोश् महाराज ब्रजमंडल परीक्षा में मेरा गुरुजी जी अप, गु, मेरा गुरुजी भी उपस्थित है और कीर्तन कर रहा है क्या कीर्तन करता है ब्रजमंडल परीक्षा में कीर्तन कर रहा है अनुभव के साथ रोते रोते हे hey, ब्रजवासी लोग बता दे कहाँ जाने से किस मिले ओ ब्रजवासी सब कृपया करके बता दे कहाँ जाने से मेरे को कृष्ण मिलेगा रो रहा है माधव गुस्से महाराज आजू बाजू का सारे आदमी रो रहा है और जो लोग भाषा समझता नहीं क्योंकि कीर्तन बंगला में हो रहा था भाषा का जानकारी नहीं है वो लोग भी रो रहा है इनमें से एक माताजी जी कीर्तन होने का बाद ऋषिकेश महाराज बोल के ऋषिकेश महाराज है प्रभुपात का गण ऋष्रा का ऋषिकेश महाराज ये भी परिक्रमा था एक माताजी ने ऋषिकेश महाराज जी को प्रार्थना किए महाराज जी थोड़ा करके गुरु जी क्या कीर्तन कर रहा था इसका बारे में थोड़ा बताओ हमको भाषा समझ में नहीं आया महाराज जी ने इसको ट्रांसलेट करके हिंदी में बता दिया और एक क्वेश्चन की जब आप समझे नहीं तो आपका आंसू कैसे टपक पड़े जब आप समझे नहीं क्या कीर्तन कर रहे गुरु जी तो आपको आपका आंसू क्यों आया क्यों आया ये माता जी ने बताया हमको पता नहीं हमको पता नहीं हम रोक नहीं पाए हमको पता नहीं गुरुजी कीर्तन कर रहे थे हमको पता नहीं कैसे हमको पता नहीं आंखों में कैसे आंसू आ गया हम कंट्रोल नहीं कर हम चेक नहीं कर पाए पाई महाराज जी उत्तर दिया देखो ये जो धाम परिक्रमा हो रहा है ना माधव गो महाराज भक्ति भोजपुरी महाराज ये लोगों का अंदर में विरह का आग आग है विरह यंत्र का आग है आग, आग आई बात समझ में ये जो विरह है विरह अनल ये विरह है स्ट्रांग फीलिंग ऑफ सेपरेशन सेपरेशन का फायर ये विरह अग्नि हृदय में है चला गया कृष्ण नहीं है ये जो विप्रलंब है विप्रलंब मिलन के लिए सह मिलन के लिए सहयोग करती है विप्रलम्ब विप्रलम्ब अगर नहीं है तो मिलन नहीं हो सकता नौ विप्रलम्बे न सुनूते विप्रलम्ब के अलावा विप्रलम्ब छोड़कर भगवान का दर्शन आज तक किसी बाबा ने नहीं किया सेम सिद्धांत तो आई वो स्पीकिंग ना सेम सिद्धांत तो। विदाउट विप्रलम्ब संभव नहीं विप्रलम्ब भाव नहीं है भगवान मिलन संभव नहीं संभव नहीं तो विप्रलम्ब भाव अगर नहीं है तो कैसे नवद्वीप भाव परिक्रमा करने जाओ तो पल भर में पल पल में आपका अगर अनुभव नहीं हुई गौरांग चला गया हमारा मायापुर धाम छोड़कर प्रभु संन्यास लेके चला गया आँखों में अगर आँसू ना आए आँखों में अगर आँसू ना आए तो क्या परिक्रमा का क्या फ़ायदा है थोड़ा मलाई खाओ थोड़ा तो बर्फ़ खाओ मलाई खाओ थोड़ा डाप खाओ ग्रीन कोकोनट खाओ म, ये सब चलते रहेगा ये सब चलते रहेगा और क्या यही तो चलेगा ना और क्या चलेगा क्योंकि विशुद्ध प्रणयी भक्त अगर नहीं है आगे नहीं चल रहा है को दर्शन कौन करेगा अ फायर ऑफ सेपरेशन गोइंग टू टच ऑल पीपल अराउंड हिम महाराज जी कीर्तन कर रहा है लेकिन महाराज जी का अंदर में जो विरह का अग्नि है सेपरेशन है ये जो विप्रलंब है इसका जो आग जल रहा है ये आग हर आदमी को इस पर ये जो आँख जल रहा है आँख का तो ताप जाएगा ही समझो कि एक जगह आँख जल रहा है तो आँख अगर जल रहा है तो आँख का तो जो एक आँख का जो ताप है ये तो जाएगा सपोज करो आँख जल रहा है इधर तो यहाँ बैठ के मेरे को ताप आएगा आग जलने का साथ साथ तीन काम होगा एक है आग जलने का साथ साथ चारों ओर चारों ओर चारों ओर प्रकाश फैलेगा सेकेंड पॉइंट है हमारा ठंडी का जारे का मरसूम में मेरा ठंडा ठंडी का मरसूम में ये जो ताप आए मेरे लिए बेनिफिशियल वेरी हेल्पफुल एट द सेम टाइम ये ताप ये जो ताप आग जल रहा है इसके द्वारा मैं कुछ भी कर सकता हूँ खाना पकाना आदि कुछ कर सकता हूँ यज्ञ आदि कर सकता हूँ तो एक का बहुत सारे काम सकता। हो सकता इसीलिए हो सके कि परम पूजा माधो महाराज जी का हृदय का अंदर में ये विरोह का अग्नि अनल प्रज्वलित है और कीर्तन करने का साथ साथ आजू बाजू में जितना सारे भक्तों लोग हैं ये लोग इट इज वन कैन ऑफ हार्ट टचिंग मोमेंट इज वन काइंड ऑफ हार्ट टचिंग मोमेंट क्या करे महाराज जी रो रहे ये लोग भी रो पड़ा धाम परिक्रमा विशुद्ध प्रणयी भक्त के अलावा अच्छा होता नहीं धाम परिक्रमा का जो मकसद है धाम का अनुभव धाम कितना कृपालु है धाम बदलाव बदलाव तत्व तो तो है धाम जी धाम ये सब अनुभव में आना संभव नहीं है कब आएगा ये सब अनुभव शिला भक्ति श्री महाराज भक्ति तो माधव के समय परिक्रमा कर रहा है और भक्ति है, मैं आगे चल रहा है लाठी ठोक ठोक के सारे भक्तों कीर्तन करते करते पीछे चल रहा है आजकल का जमाने में कोई शिक्षा नहीं है चलो महाराज जी पीछे है वो चल रहा है परिक्रमा ऐसा नहीं होता है परिक्रमा ऐसा नहीं होता है महापुरुष का अनुगत्य में परिक्रमा करें तो परिक्रमा का फल पक्का मिलता है परम पूज्यवाद भक्ति तो माधु के में जगत से चले गए उसके बाद भक्ति भक्तिपूर्वपुर के शिव महाराज और श्री वल्लभ तीर्थ महाराज ये सब परिक्रमा का जो विषय है ये सब बता रहे हैं भक्त लोगों को महाराज जी भारती महाराज कह रहे हैं भक्तिपुर पूर्व कह रहे हैं गोवर्धन परिक्रमा में काफ़ी गोवर्धन परिक्रमा में काफ़ी गोवर्धन परिक्रमा में काफ़ी समय निकल गया तो एक काम करो आप लोग बड़ा भूखा हो आप आप लोग भूखा प्यासे हो तो आप एक काम करो हम महिमा के बारे में बाद में बताएंगे आप ऐसा करो जल्दी चलो जाके प्रसाद प्रसाद आके थोड़ा आराम कर लो सिलाभ पूरी बुरी मैं परीक्षा ले रहे हैं जे ए लोगों का अंदर में कितना चाहत है तमाम पंजाब का और इधर का भक्त चिल्ला चिल्ला का महाराज खाना पीना सोना आराम करना ये तो घर में मिलता था इसके लिए तो हम धाम परिक्रमा करने के लिए नहीं आए आप लोगों का चरण में आए तो धाम का बारे में जानकारी चाहिए आप पाठ करो कृपा करके पाठ बताओ घर में बहुत खाना मिलता है बहुत आराम मिलता है हम क्या करें हमको हम लोगों को नहीं चाहिए ओह अच्छा ठीक है चलो तो फिर पाठ कर देते फिर गुरु महाराज माधव बिंदुपुरी व्रत का महिमा गोवर्धन का महिमा परिक्रमा आदि क्या फल है राधा कुंड सैनकुंड कैसे प्रकट उत्पत्ति सारे बताए अगर भक्त लोगों का अंदर में कोई ही नहीं है तो तत्व ज्ञानी पुरुष ये सब बताएगा नहीं ये सब बताएगा नहीं संभव नहीं है ये जो धाम तत्व है हमने पहले ही बताया ये धाम तत्व बलदेव तत्व है संदिनी शक्ति का प्रकाश है मैं काल भी बताया था भगवान का संदिनी शक्ति सम्भित शक्ति और लादिनी शक्ति लादिनी दारे करे भक्तिर पोषण लादानी लादिनी शक्ति के द्वारा भगवान अपना निजीयन को पोषण करता आनंद देते हैं नित्य आनंद देते हैं और सन्धिनी शक्ति के द्वारा अपरागिक जगत का जितना सारे धाम आदि है सब प्रकोट सारे अपरागिक जगत का जो धाम है इस भूमि इस भूमि में प्रकट भूमिका में है ये सब संदिनी शक्ति का प्रकटित संदिनी शक्ति के द्वारा इस जन जगत का जो विन्यास है ये वही सौंदि शक्ति का संदिनी शक्ति का परफेक्ट रिफ्लेक्शन, मेटेरियल परफेक्ट रिफ्लेक्शन। और अपरागिक जन अपरागिक जगत में जो संबंध ज्ञान है मेरा लड़का है जशोदा माँ कह रही है मेरा लड़का गोपाल नंदमा कहते हैं मेरा लड़का गोपाल गोपाल कह रहे हैं मेरा माता जी ये सब जो संबंध कहना है सगे संबंधी सब जो सगे संबंधी अपरागित जगत का जो है ये जो रिलेशनशिप संबंध ज्ञान ये संबंध ज्ञान का पुरस्फुटन जो है अपरागित जगत में ये अपराखित है ये जरूरी है क्योंकि संबंध जानिया भुजीते भुजीते अभिमान होवे अगर भगवान का साथ भगवान का धाम का साथ भगवान का नाम का साथ भगवान का भक्तों के साथ कोई संबंध नहीं है तो कौन सी भजन हो रहा है ये कौन सी भजन हो रहा है कौन सी भजन हो रहा है जबकि भक्ति में ठाकुर लिखा है भक्ति में ठाकुर जो लिख दिया भक्ति में ठाकुर लिख दिया पूरा क्या करे फिर भी किसी को समझ में नहीं आता है फिर भी किसी को समझ में नहीं आ रहा है धाम ऐसे धाम अपना स्वरूप को इस जल जगत में प्रकट किया परिक्रमा आदि दर्शन के लिए परिक्रमा परिक्रमा करने के लिए दर्शन करने के भगवान ने व्यवस्था रखा है जिसका इच्छा है करे गुरु वैष्णव का में और परिक्रमा का फल उठाए अभी काल एक श्लोक और उठाया था कमलम गोकुलाक्षम महत्पदम तत्कोकार तध्याम तद अनंतांश संभव भक्ति में ठाकुर जी ने बताए देव का दो पाठ हमने बोला देव का दो अंश हिस्सा है एक मेटेरियल अनंत जड़ानंत एक है अप्राकृत अनंत चिन्मय अनंत जड़ानंत एक है एक पाद विभूति हमने बताया था एक पाद विभूति और ये अप्रागिक जगत का जो आनंद है अप्रागिक जगत का जो धाम है विकास है ये धाम आदि चिन्मय जगत ये जो चिन्मय जगत फैला हुआ है ये भगवान का त्रिपाद विभूति त्रिपाद एक पाद विभूति इन्फिनिटी त्रिपाद विभूति है भगवान ये जो गौर लीला चल रहा है ये नवद्वीप धाम है हमारा गुरुवर्ग ने बताया नवद्वीप लीला ऑफ गौरा महाप्रभु इज वन काइंड ऑफ एपेंडिक्स ये जो गौरांग महाप्रभु के जो लीला है ये जो गौर गौर धाम नवद्वीप धाम में चल रहा है लीला चल रही है ये जो लीला चल रही है ये धाम में है ये आश्चर्य क्योंकि ये जो लीला चल रही है ये आम आदमी को समझ में नहीं आता लिखा है चैतन्य चरथमित में औद्यापियो शैली करे गौर राय कोनो कोनो भाग्यो देखी बारे पाए आज भी ये चिन्मय जगत का लीला चल रहा है आपका भाग्य है भजन क्षमता है गुरु वैष्णव की कृपा है तो देख सकोगे जैसे एक उदाहरण दे दे एक मिसाल और एक मिसाल दे दे भक्तिमय ठाकुर ने जैव धर्म भक्त ठाकुर जी ने जैव धर्म में लिखा है भक्तिमय ठाकुर जी ने जैव धर्म में लिखा है जो दो भक्तों सिनाथपुर हम चर्चा करेंगे ना धाम का बारे में और कौन कौन जगह का महिमा कैसा है काल परशु से चर्चा करना शुरू कर दे ये जो धाम है ये धाम का अंदर में ऐसा प्रभाव है धाम तो है अपराकित धाम लेकिन दर्शन होना संभव नहीं है धाम का अंदर में ये जो हमने बताया अप्राकृत धाम भगवान का और ये धाम का स्वरूप का दर्शन संभव नहीं है ये सिनाथपुर बोलकर सिनाथपुर हमने एक उदाहरण देने के लिए बात को उठाया ये जो सिनाथपुर है हमारा जोगपीट मंदिर से थोड़ी दूर है भरदराज शिला से और दूर है सिनाथपुर से दो नौजवान लड़का आता था रघुनाथ दास बाबा जी महाराज के सामने मैं जैव धर्म का बात उठा रहा हूँ भक्तिमय ठाकुर का लिखा हुआ वहाँ वो दो नौजवान लड़का ये रघुनाथ दास बाबा जी महाराज कहाँ रहते थे शिवा संगन शिवा संगन जहाँ नित्य और राशन है महाप्रभु का वहाँ रहते थे और बाबा जी महाराज का चरण दर्शन करने के लिए अक्सर ये दो नौजवान आते थे बाद में रघुनाथ दास बाबा जी महाराज के चरण में सहारा लिया हरिनाम दीक्षा ली मस्तक मुंडन की धाम का स्वरूप लीला का स्वरूप सिद्धांत तो स्वरूप सब समझा समझने का कोशिश की जब दिखा लेने का बाद ये दो लड़का जो है नौजवान लड़का वो जो ये भंडारा का व्यवस्था कर रहे हैं ये हम नहीं कह रहे जो भी धर्म में है जब ये दोनों लड़का हरिनाम दीक्षा लिया है तो एक भंडारा दिया ये भंडारा का अंदर में सारे भक्तों लोग हैं प्रसाद पानी के लिए सिवा संगन में वहाँ लिखा हुआ है अचानक अचानक जब जब भक्तों लोग बैठा हुआ है और परोसने का सामान परोसने का सामान रेडी है सब इसी बीच में एक आश्चर्य हो एक आश्चर्य घटना हुआ इसी बीच में एक आश्चर्य घटना हो गया कैसा घटना महाराज भले जब भक्तों लोग को परोसने का व्यवस्था हो गया भक्तों लोग प्रसाद पा रहे ए गोविंदे नामो ब्रह्मो ऐसा करके जयकारा लगाने का प्रसाद पा रहा है बीच में क्या हुआ गोरंगमापो का धाम सभी का सामने प्रकोट हो गया लिखा हुआ है भक्त लोग प्रसाद पाना छोड़ दिया अब देख रहा है क्या हो रहा है सोची माता दिख रहा है मालिनी माँ दिख रहा है सारे भक्तों लोग दिख रहे अरे क्या बात है क्या बात है बोले हां तमाम भक्तों लोग प्रसाद पाना बंद कर दिया और देख रहा है मालिनी माँ सोची माँ सारे भक्तों लोग को क्या देख रहा है इसीलिए लिखा है जोतो नजोदो मित्र में औद्यापी से ही लीला करे गौर राय कोनो, कोनो भाग्यवाने देखी बारे पाए हर आदमी देख नहीं पाते हर आदमी दर्शन नहीं कर पाते संभव नहीं है जो श्लोक दे के शुरुआत किया था उसका चर्चा हम काल करेंगे अब इतना आज सोच लो विचार कर लो एक ब्रह्म संगीता का श्लोक है क्या है प्रेमांजन छुरी भक्ति बिलोचनो संत सदैव हृदय विलोकयंती जंग श्याम सुंदरम अचिंत गुण सर्पम गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामे कोई ज्ञानी जोगी बा हाफ हा, मेटेरियल है बा एट्टी परसेंट मेटेरियल है नाइन्टी परसेंट मेटेरियल है नाइन्टी नाइन परसेंट मेटेरियल है तब भी धाम का दर्शन संभव नहीं है तब भी धाम का दर्शन संभव नहीं है कि इसका मेटेरियल है गुरु वैष्णव का कृपा के द्वारा धामेर स्वरूप स्फुरी वे नयो ने हो वो राधा रोदासी धाम का स्वरूप के बारे में पता चलेगा धाम का स्वरूप के बारे में पता चलेगा कितना सुंदर धाम है कितना सुंदर वर्णन है धाम का अहो भाग्य से धाम का दर्शन हो जाएगा जहा सारे दिखेगा भगवान का धाम देखे दर्शन हो तो इसमें कोई मेटेरियल दर्शन का कोई कुछ संभावना नहीं है तो विशुद्ध भक्तों लोग जो है चिन्मय वृंदावन धाम का दर्शन करते रहते हैं यही फॉर्मूला है यही फार्मूला है दूसरा कोई फॉर्मूला नहीं प्रेमांजन छरित प्रेमांजन छोरित भक्ति बिलोचन संत सदैव हिदेश विलक यंती जौ श्याम सुंदरम अचिंत गुण गुण स्वरूपम गोविंदमादिपुरुषम तमाम भाजामी भगवान का कृपा के द्वारा धाम का भक्तों का कृपा के द्वारा धाम का स्वरूप का अगर अनुभव हो जाए धाम का धाम का स्वरूप का अगर दर्शन हो जाए तो कहना ही क्या है तो धाम जो है बलदेव तत्व तो हमने बताया काल और थारे औ काल और सारे चर्चा करने का इच्छा रखते हुए और जो श्लोक देके शुरुआत किया था ये भी बड़ा अनोखा श्लोक है इसको भी आपको समझना चाहिए जो भगवान सेवा के लिए भगवान सेवा के लिए पड़ा नहीं है भगवान स्वयं संपूर्ण है भगवान भगवान का हृदय सेचुरेटेड है भगवान कोई मेट्रियल दर्शन कुछ दर्शन के लिए तैयार नहीं कुछ क्योंकि भगवान अपराकित तो विषय है भगवान का अंदर में कोई कमी नहीं है अप्राकित तो दर्शन भक्तों का होता है लेकिन जरबद्ध जीवों का अपराकृत दर्शन होना संभव नहीं इसीलिए एकमात्र नाम भजन जो सिद्ध महात्मा है बहुत सारे पहले धाम परिक्रमा आदि किए अभी नाम करने बैठे नाम करने का साथ साथ धाम का परिक्रमा लगाते रहते हैं नाम करने का साथ साथ धाम का परिक्रमा लगाते रहते हैं और नाम का जो स्वरूप है ये नाम और नामी अभिन्न धाम नवद्द्वीप धाम नवद्द्वीप से अभिन्न है आज सिर्फ इतना चर्चा करते हुए हम विश्राम देंगे कथा का ये गौरलीला इज द अपेंडिक्स ऑफ कृष्ण लीला कृष्ण लीला का अपेंडिक्स है गौरलीला ये जो ये कमल है धाम काल जो बताया था ना जो ये धाम जो है ये जो एक्सपेंशन हो सकता है और छोटा भी हो सकता है ये डिपेंड अपॉन सिचुएशन को ऊपर ये जो धाम का स्थिति का बारे में हमने बताए ये धाम जो है बल्लाव जी महाराज का तत्व हमने बताए और ये अनंत देव का अंश है बताए ये सब बताए और एक कमल सदृश है ये कमल फूल जैसा है ये कमल फूल जैसा है पूरा ये गोलोक धाम जो है इट इज लाइक ए लोटस फ्लावर चिन्मय और कोर इसका जो कोर है लोटस फ्लावर का जो कोर पॉइंट है इसमें वृंदावन धाम ब्रजोधाम विराजमान है थोड़ा बहुत बाहर जाओ ए मथुरा धाम है थोड़ा बहुत बाहर जाओ ये दारिकाधाम है और आउटसाइड किया है शेतोद्दीप है भगवान श्री कृष्ण का लीला का अपेंडिक्स है भगवान श्री कृष्णों का जो लीला चल रहा है दूसरा ब्रह्मांड में या तो ये सोचो कि नित्य धाम में नित्य लीला चल रहा है ऐसा नहीं कि गोरंग महाप्र यहाँ लीला खत्म करके 500 साल पहले 550 साल पहले चले गए ऐसा नहीं है वो कैसे संभव है इसका बारे में चर्चा करेंगे महाप्रभु कह रहे सोनातन पूछ रहा है महाप्रभु को लीला कैसे नित्य हो सकता है महाराज कृष्ण भगवान प्रकट लीला करके चला गया माँपू जे मिसाल दिया जो धाम वृंदावन में लीला चल रहा है नित्य लीला लीला के बारे में बहुत सारे विचार है कोई कोई साधक एक लीला का ऊपर चिंतन करता है हम काल चर्चा करेंगे कोई कोई साधक ऐसा है लीला चल रहा है एक लीला इट इज़ लाइक ए लैगून एक लीला चल रहा है एक लीला का कंसंट्रेशन कभी कभी कोई भक्त लीला का फ्लो चल रहा है ये फ्लो का दर्शन कर रहा है, प्रभु ये कर कर रहा है ये सब दो किस्म बहुत सारे विचार है। तो कहने का मतलब है गौरांग लीला ये जो गौरांग धाम गौरांग लीला है ये अपेंडिक्स है गौरांग लीला इज द अपेंडिक्स ऑफ कृष्ण लीला और ये जो धाम है ये गौड़धाम हम परिक्रमा करने जाए तो अगर हम एक महापुरुष का अनुगत ना करें जिसका अंदर में चौबीसों में चौबीस घंटा विप्रलम्ब भाव नहीं है तो परिक्रमा करने से उतना फायदा उतना फायदा नहीं मिले क्यों भले महाराज आपको अनुभव करना पड़ेगा ये गौरंग महाप्रभु ये नवद्वीप धाम छोड़ के सन्नास लेके चले गए हा गौर हा गौर यह ब्रजोधाम है।, है, है ये नवद्वीप धाम जो है ये भी अभिन्न व्रजोधाम है ये जो नवदीप धाम है ये भी व्रजोधाम है ये प्रजोधाम से बाहर नहीं है जब हम लोगों का दर्शन ऐसा जब हम लोगों का दर्शन इस स्थिति में पहुंच जाए ये वृंदावन धाम और नवद्दीप धाम अभिन्न हो गौरव्रजने गौरव ब्रजने वेदना मानीब होब राधार दास नवद्वीप धाम ये श्वेत कहा जाए श्वेत कहा जाए ये धाम, नित्य विराजमान भगवान कृष्ण क्या है नवद्वीप धाम में महाप्रभु दिखाया, स्वयं भगवान बहुत बार परिक्रमा किए स्वयं भगवान चैतन वहापुर गोवर्धन परिक्रमा किए परिक्रमा कर लिए जा रहा है तो भगवान ने परिक्रमा करके दिखाया जगन्नाथ धाम का जगन्नाथ का परिक्रमा करके महाप्रभु जी ने दिखाया जो धाम परिक्रमा एक अनोखा विषय है जो बद्ध जीवों के लिए बचाना बहुत मुश्किल है किसी भी तरीका से ये लोगों को बचाना मुश्किल है यहाँ तक अपराध भी है वो अगर धाम सेवा करते चले धाम सेवा मतलब धाम का परिक्रमा धाम का सम्मान धाम का ग्लोरिफिकेशन ये सब करते चले तो बहुत कुछ हो सकता है भजन का एक वाइटल पॉइंट है और धवन धाम परिक्रमा करने के लिए कितना ही चाहिए धाम परिक्रमा करने के लिए कितना पेशेंस ही चाहिए हैरान की बात है ये नवद्वीप धाम और वृंदावन अभिन्न है फिर भी नवद्वीप धाम का महिमा और ज्यादा है क्योंकि गौरंग महाप्रभु का औदार्य प्रधान माधुर्य विग्रह औदार जो प्रधान माधुर्य विग्रह और माधुर्य प्रधान औदार्य विग्रह माधुर्य माधुर्य प्रधान औदार्य विग्रह कृष्णलीला इसीलिए गौरधाम का परिक्रमा सबसे फायदादायक है और परिक्रमा का ईच एंड एवरी स्टेप मैं क्लारीफाई करने के लिए तैयार हूँ काल का दिन चर्चा करेंगे जरूर धाम का बारे में परशु हम माधवबिंदुपुरीपात को माधवबिंदुपुरीपात जी का जो महिमा है उसका साथ धाम का रिलेट करेंगे कनेक्ट करेंगे एक रिलेट करके एक डिस्कशन उसका बाद परसु से एक एक जगह का स्थान का महिमा नबद्दीप भाव तरंगों का भाव तरंगों का माने क्या है इसका माने क्या है नवद्दीप भाव तरंग भाव तरंगों क्या है इसका माने भी क्ल क्लियर होनी चाहिए नहीं तो होगा नहीं ये सब चर्चा काल हो पाएगा क्षमा करे आज इस छोटा सा इस चर्चा का विश्राम देना जरूरी है और जो श्लोक दे के शुरुआत किया उसका भी व्याख्यान काल करने के लिए तैयार है नैवात्मनो प्रभु रजलाभ पूर्ण मानम जनाद विदुषो विनिते विनीत जनो भगवते विदधी तमान तश्चात्मने पति मुखश जथा બાંધછા કલ્પતુ રુષ કે પાસિંદ છે પતિ તાન પાવન ભ વૈષ્ણવ્યો ન